दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर वन प्लस का एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हो और आपका जो बजट है वो 20,000 रुपये है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस टाइम के टॉप 3 वन प्लस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, वन प्लस भी एक चाइनीज़ फ़ोन है, लेकिन ये दूसरे चाइनीज़ फ़ोन से बिल्कुल ही अलग है। इसका कारण है दोस्तों, इसका UI मतलब यूजर इंटरफेस, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल का है, और इसके साथ इसमें आपको एड्स और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलते हैं, और इसलिए दोस्तों वन प्लस दूसरे फ़ोन से बिल्कुल ही अलग है और लोग इसे पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि अंडर 25,000 रुपये में वन प्लस के कौन कौन से फ़ोन आते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में वन प्लस फोन की जो रैंकिंग है वो बाई प्राइस है, तो जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे वैसे वैसे फोन के प्राइस बढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों नंबर 3 से। तो नंबर 3 पर है वन प्लस का वन प्लस नोड N20 SE, और ये वन प्लस के आज तक का सबसे लो परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है, लेकिन सबसे सस्ता भी है, 14,000 रुपये के आसपास मिल रहा है और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों, अभी तक वन प्लस ने इसे ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, बट फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो वन प्लस का फ़ोन ख़रीद रहे हो तो इसके बारे में जानना तो बनता है। यहाँ पर दोस्तों, इस फोन के डिज़ाइन की बात करें तो ये कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, और ओप्पो A77 4G जो फ़ोन है उसी के जैसा बिल्कुल ही टू कॉपी है। 8mm की थिकनेस दी गई है और 187g वेट है, यानी कि ओप्पो के जैसा ही पतला और हल्का फ़ोन है। इस फोन में आपको मिलेगा साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि एक सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है 1 TB तक। डुअल स्पीकर दिया गया है और स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, और ये फोन आता है दोस्तों एंड्रॉइड 12 के साथ विद ऑक्सीजन OS 12.1। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो 6.56 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और 600 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। यहाँ पर दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं करता है, 10,000 रुपये के नीचे के रेंज में जो फ़ोन आते हैं उसके जैसा यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा डुअल कैमरे का सेटअप, जहां पर 50MP का मेन कैमरा सेंसर है और 2MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और फ्रंट साइड में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इन दोनों ही कैमरे से आप 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps तक। यहां पर दोस्तों, कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक बोल सकते हैं, बट प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था। आगे यहां पर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, यानी कि प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो का G35 वाला 4G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 12nm पे बेस्ड है, और यहाँ पर इससे भी अच्छे प्रोसेसर मिल जाएंगे आपको 15,000 रुपये के रेंज में। मैंने आपको बताया था कि 10,000 रुपये के नीचे में जो फ़ोन आते हैं उसके जैसे यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बैटरी को फुल चार्ज होने में, और एक दिन आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पर इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको 4+64GB के साथ 13,500 से 14,000 रुपये के बीच में फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों अचानक से इसका प्राइस बढ़ जाता है और घट भी जाता है। वैसे 700 रुपये का आपको कार्ड पर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों, इस फोन में आपको बैटरी बैकअप और चार्जिंग सपोर्ट अच्छा देखने को मिल जाता है, बाकी इस फोन का जो कैमरा है वो भी ठीक ठाक बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है और जो डिस्प्ले है इस फोन का, वो बिल्कुल ही अपने प्राइस के अकॉर्डिंग जस्टिफाई नहीं करता है। इससे अच्छा डिस्प्ले और प्रोसेसर मिल जाएगा रेडमी रियलमी के फोन में, वो भी 10,000 से 11,000 रुपये को प्राइस में। तो ऑक्सीजन ओएस को छोड़कर यहाँ पर कोई खास फीचर देखने को नहीं मिलते हैं, तो 2,000 से 3,000 रुपये और लगाकर वन प्लस का एक अच्छा फोन खरीदना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों इस सीरीज के नंबर 2 वाले फोन के बारे में, जो कि है दोस्तों वन प्लस का वन प्लस नोट C2 Lite 5G, और ये वन प्लस का सबसे सस्ता फोन हो जाता है, जहाँ पर आपको बहुत ही कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों, इस फोन के डिजाइन की बात करें तो कंप्लीट पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है और 8.5mm की थिकनेस दी गई है और 195g वेट है। इसके साथ दोस्तों, इस फोन में आपको मिलता है साइड माउंट वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिंगल स्पीकर मिल जाता है, स्पीकर की क्वालिटी डिसेंट दी गई है, और इसके साथ ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 12 के साथ विद ऑक्सीजन OS 12.1, और इसमें आपको 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट मिल जाएगा, यानी कि एंड्रॉयड 13 और एंड्रॉयड 14 दोनों ही आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। आगे दोस्तों बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.59 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट दिया गया है, गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और 500 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन अगर AMOLED होता तो थोड़ा सा बेटर होता।
इसके बाद बात करें इस फोन के कैमरे की, तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट साइड में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और दोनों ही साइड से आप फुल HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS तक। यहां पर दोस्तों इस फोन में आपको कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। आप एक बेस्ट कैमरा फोन परचेज करना चाहते हो तो इस फोन को परचेज कर सकते हो। इसके बाद बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 695 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 6 nm पे बेस्ड है और 380,000 के आसपास इस फोन का अंतोतु स्कोर रहता है। यहाँ पर दोस्तों इस फोन में आपको प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है, नॉर्मल टू मीडियम लेवल तक की गेमिंग आराम से कर सकते हो। इसके साथ इस फोन में आपको लिक्विड कूलिंग फीचर्स मिलता है, जो कि फोन को हीट होने से रोकता है। बाकी 5 GB तक वर्चुअल रैम आप बढ़ा सकते हो और ये फोन 5 5G बैंड के साथ आता है। यहाँ पर इस फोन के बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 1 घंटे में फोन को फुली चार्ज कर देता है और लगभग 1 दिन आराम से बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा इस फोन के साथ। तो ओवरऑल दोस्तों इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये जो फोन है दोस्तों ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है। बाकी इसका जो कैमरा है काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिया गया है, बैटरी बैकअप और चार्जिंग सपोर्ट वो भी काफी अच्छा है और 120Hz का हाईर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो अगर आप इस फोन को परचेज करना चाहते हो तो बात करते हैं इस फोन के प्राइस की। 6+128GB का प्राइस 18,999 रुपए है और 8+128GB का 21,999 रुपए है और इस फोन पर आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर मिल जाता है किसी भी ऑफर में। तो फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं हम इस सीरीज के आखिरी फोन के बारे में, जो कि नंबर 1 पे आता है। तो नंबर 1 पर है OnePlus का OnePlus Nord C2 5G और ये दोस्तों बहुत ही कमाल के परफॉर्मेंस के साथ आता है। काफी अच्छा प्रोसेसर इस फोन में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस फोन के डिजाइन की बात करें तो ये कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है और काफी अच्छा डिजाइन देखने में लगता है। यहाँ पर 7.8 mm की थिकनेस दी गई है और 173 g वेट है, यानी कि फोन हल्का भी है और काफी पतला भी है। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के अदर फीचर्स की, तो इसमें आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट है यानी कि 2 SIM के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, सिंगल स्पीकर है बट स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है और इसमें आप अलग से मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो 1 TB तक और साथ ही आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, जो कि अदर वन प्लस के फोन में नहीं मिलता है। और इसके साथ ये फोन आता है एंड्रॉयड 11 के साथ विद ऑक्सीजन OS 11 और इसमें आपको 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगा और वैसे भी अब तक तो एंड्रॉयड 12 इसमें आ ही गया होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस वाली फुल वाइड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि पंचोल के साथ आता है और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है क्योंकि 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन इसमें मिल जाता है। 600 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है और HDR10 सर्टिफाइड भी है। कैमरे की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरे का स्लॉट, जहां पर 64 MP का मेन कैमरा सेंसर है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल जाता है और फ्रंट साइड में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस फोन के बैक साइड से आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS तक और सेल्फी कैमरे से 1080p की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS तक। यहाँ पर दोस्तों आपको एक डिसेंट टाइप का कैमरा देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर में, जो कि डे लाइट में अच्छी फोटो क्लिक करता है, नाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो ये फोन आता है MediaTek Dimensity के 900 वाले 5G प्रोसेसर के साथ, जो कि दोस्तों 6 nm का प्रोसेसर है यानी कि पावर इफिशियंट है और इसमें आपको 4,20,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और इस फोन में आप BGMI 60 FPS तक खेल सकते हो। इसके साथ इसमें भी आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, 5 GB तक रैम आप एक्सपेंड कर सकते हो और ये फोन आता है दोस्तों 8 5G बैंड के साथ। यहाँ पर दोस्तों बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और 65 W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 35 मिनट में ये फोन फुल्ली चार्ज हो जाता है और 1 दिन आराम से आपको नॉर्मल यूज में बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 6+128GB के साथ 23,999 रुपए, 8+128GB के साथ 24,999 रुपए में देखने को मिल जाएगा और इस पर भी आपको 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये फोन दोस्तों थोड़ा महंगा पड़ जाता है और वैसे भी दोस्तों OnePlus बहुत ही कम फोन लॉन्च करता है, 20,000 रुपए के अंदर में 2 ही फोन आते हैं, लेकिन ये फोन बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आता है तो थोड़े से ज्यादा पैसे लगाकर आप OnePlus बेस्ट फोन परचेज कर सकते हो, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इस फोन के बारे में बताना जरूरी है। तो ये है दोस्तों इस टाइम के OnePlus के top 3 फोन जिसे आप 20,000 रुपए के प्राइस में परचेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप OnePlus के अदर प्राइस की वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पे एक बार जरूर जाओ, वहां पर आपको बेस्ट फोन की बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यहां तक आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।